यूट्यूब चैनल कामनी सिंह, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी आई हूँ अपने रूम में। हम आ गए, हम गए हुए थे शादी में, आपको पता है, और हमारे लिए सरप्राइज है। अभी हमारा लाइटिंग वगैरह का काम हो गया, तो देखिए अब लाइटिंग कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, चमक रहे हैं मैडम। आओ इधर इधर भी देखें प्लीज, इसी बहाने काम का अपडेट भी मिल जाएगा। देखिए कॉमलाइट वगैरह सब लग गया। ये येलो वाला लगा है क्या कॉमलाइट? हाँ, वार्म व्हाइट वाला। अच्छा, वार्म व्हाइट। और वो देखो ना, उस कमरे में दिखाओगे ना तो रोशनी का भी पता लगेगा। देखो जैसे इसमें पता। अच्छा, ये कलर लगा है ना? हाँ। सेल्फी में थोड़ा सा लगा रहा था। लगा रहा था, बट जो सेल्फी में आ रहा था वो मेरे हिसाब से रियल कलर आ रहा था। ये थोड़ा व्हाइटिश आ रहा है। और कैसे चलेगा? और ये ना अच्छा, ये हो गया। बाप रे, तो जितना लाइट जल के भड़ भड़ करने लग गया, क्यों कर रहा है ज्यादा लाइट से? ज्यादा लाइट से ना, बैक कैमरे में करता है ना। नाउ हैप्पी डे लव। अब सेल्फी में वीडियो बनाऊंगी तो बिल्कुल साफ और क्लीन आएगा। मतलब तो एक वो था ना, बताऊंगी कल, मैं अच्छे से बताऊंगी आप लोगों को कहाँ क्या 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 कैसे करवाया है। अभी फिलहाल थोड़ा थक गए हैं, गला सूख गया है। हाँ, ये जेन्युइनली मुझे ये कलर ना इतना मतलब वो नहीं था। एक बार इस कमरे का भी देखते हैं, पूरे इस कमरे का उसने किससे जोड़ा है। वेट वेट वेट। अच्छा, इस कमरे का भी लगा ही नहीं है, कल लगाएंगे। एक जब सी बेचैनी होती है तुमको देख के। सच्ची? हाँ। और वो क्या आगे गाना, दिल में हसरत होती है आज तुमको, मतलब स्मार्ट लग रहा है। कमरिया को बाबू एक गाना सीख लिया, हर बार बोल रहा है मम्मा डीजे पे वो गाना लगवाओ ना। वो कौन सा गाना है? मुस्की वाला, मरून कलर। ये देखो, मैंने वो चिपकाने वाला नहीं लिया था, देखा था आपने उस टाइम जब दुकान से लेके आए थे, ये वाला था। ये दूसरा है। हाँ, इसमें मतलब पेंट वेंट ऊपर से कर दो ना, वाटर प्रूफ रहता है, ऐसे लकड़ी में जो लगता है ना। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और धनु, मम्मा ने मना किया है ना आपको? नहीं, 5 मिनट नहीं चलता है, ठीक है? आप लोग इधर जाइए, चलिए जाइए आप लोग इधर, जल्दी निकलिए, हम अकेले बनाएंगे अपना व्लॉग। सो अभी हम जा रहे हैं और हमारी अरे प्रीति, थोड़ा यार गले मिल लो, थोड़ा इमोशनल हो लो। जा रहे हो, 4-5 दिन रहे हमारे साथ, अब जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। प्रीति बोल ये क्या खाने नहीं प्रीति, इधर आओ, इधर इधर से आना, इधर आओ, जल्दी आओ। गाइस, अब तो ये गाड़ी से उतरेंगी तब भी मैं नहीं दिखाऊंगी, तो मैं यहाँ से। वाओ, बहुत सुंदर दिख रहे हो, कोई बात नहीं। प्रीति मेरा मन नहीं लगेगा, अब जा रहे हो तो सही है ना प्रीति? सही, रो ना, सही ना, तो एक्टिंग तो कर रही हूँ, ठीक है, जल्दी आना, ठीक है, ठीक है प्रीति, जल्दी आना। बाप रे, चलो आ जाओ, आओ आ जाओ। नजर चाहती है दीदार कर, दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, तुम्हें अपने नजर में हम बसा के रखेंगे। ये कौन सा गाना है? तुम्हारे सिवा कुछ ना, ये ओवर एक्टिंग हो रहा है, पर मैं गाई जैसी करी चाहत कर। कितने अच्छे तो लग रहे हो, स्टैंडिंग पहन रखो, रेडी हो रखो। फिर क्या है, इधर देखो, देखिए तो गाइस, प्रीति प्रीति लगती है, देखो कदम नहीं, प्रीति प्रीति लगती है, कसम नहीं दिखा रही। पीले रंग वाली चीज मुझे बैग, ये दे दे बैग, दे दे मेरा दो, है ना? सही कह रहे हो, अब तो नहीं दिया, अब तो दिख ही गया वो। गाइस देखिए, प्रीति कहती है जब मैं किसी शादी फंक्शन में जाऊं ना तब मेरा वीडियो बनाया करो। प्रीति बुआ को छोड़ने जा रही हूं, अब जा प्रीति बुआ, बैठ जा। दो चार दिन रुक जाएंगे, रुक जाते हैं, वहाँ भी जरूरी है ना, अब तो वहाँ भी जरूरी है ना, कपड़े वपड़े खेल रहे, धोना सब पड़ा हुआ है, तो इसलिए गाइस प्रीति जो है अब जा रही है। और अब क्या ये रहेंगे 2-3 दिन अकेले, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे खुद को। शीशा नीचे करिए, खुद को संभालेंगे बाबू, ये नीचे करो। वो नहीं लगा क्या चाबी? चाबी नहीं लगा, वो बोलो क्या कह रहे हो? सुजीत गए हैं ना कुछ लेने के लिए, चाबी शायद, चाबी नहीं लगा। ये लो बंद करो,
तो इसलिए प्रीति जा रही है। कपड़े कपड़े भी लेके नहीं आई थी ना, ऐसे आ गई थी, एक दो दिन मेरे कपड़े पहन के काम करना है ना, कपड़े नहीं लाए थे ना इसीलिए। तो अब जा रही है अपना कपड़े वपड़े जो भी संभालेंगे देखेंगे, वहीं से ऑफिस जाएंगे। तो हम लोग भी आ रहे हैं, देखिए गाड़ी में नहीं बैठते, एक मिनट भी पहले नहीं बैठती, आगे बैठती थोड़ा कम उल्टी होता, पीछे बैठती तो कर ही देती हूँ। बाबू भी नहीं बैठते इसलिए कैब में भी बोलते आगे बैठो मम्मा ले। चलो बैठ, पति देव जी जा रहे छोड़ने के लिए। अच्छा हाँ ये दादी जाओ, प्रीति बाय बोल रही है तुम्हें। बाय 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 बाय, हम चले अपने रास्ते, जल्दी आ जाएंगे रवीना, ठीक है? ठीक है। चलो 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 चलो, ये आवाज आया कुछ सीट का। तुम गाड़ी में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। चलिए बाय। कितना पीछे को औसम मौसम आ रहा है। बाय सुजीत भाई, भैया भाभी भी तो है। इसे कैसा लग रहा है ना मौसम देख के, फिर तू ऊपर देखो, वो देखो वहां कितना फास्ट से जा रहा है। वाओ एरोप्लेन, कितने लोग। ऑटो वो कर दो, ऑटो दिला दो। दिक्कत है गाइस गाड़ी में मेरे साथ, मन खराब हो ही जाते हैं। अभी हम आए हैं लिव स्पेस और कुछ वो था मतलब उनका काम फाइनल मतलब होने ही वाला है। अब आप लोग पूछ रहे थे ना काम नहीं रुकवाया है, सुनो लोगों को लग रहा था कि हमने काम रुकवा दिया है, पूछ रहे थे अपडेट दे रहे, काम नहीं रुका हुआ है, थोड़ा सा डिले चल रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें आ गई, नवरात्रि आ गई तो उसमें हमने कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब काम थोड़ा सा हमारा डिले चल रहा था तो इसीलिए अभी आए हैं। जो काम है सब कुछ होता रहे ऐसे। हमें यहाँ पे मीटिंग में काफ़ी टाइम लग गया, हमारी जो मीटिंग है यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर हम यहाँ से निकले। गाइस हमें बहुत टाइम लग गया यहीं पे ही और अभी हमें जाना है कहीं पे बहुत जल्दी काम के लिए, तो अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी काम निपटा के, बताते हैं क्या क्या फाइनल किया किस तरीके से, फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम लिव स्पेस से निकले और शाम हो गई है और धनु भी सो गए, हमने सोचते किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे कुछ खाएंगे, भूख लगी है सुबह से, अभी कब से निकले हुए हैं, दोपहर से ही निकले हुए हैं, तो अभी हम कुछ खाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। पर्स जो है इन्होंने गाड़ी में छोड़ दिया, दिन में नहीं सोते ना हम, फिर इनको गाड़ी में नींद आती है इनको, मतलब एक नहीं तो गाड़ी लगता है, कुछ बच्चों को गाड़ी में सो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज़ है। ये देखो हमारे साथ क्या हो गया प्रैंक, हम तो मिल लिए और थोड़ी देर बाद पता चला कि हमें कहाँ बिठाना है, हमें यहाँ बिठाना है। ये क्या था? ये यही था आपके लिए एनिवर्सरी प्लान। एनिवर्सरी प्लान कर रखी है हमारे लिए, क्या है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एनिवर्सरी बीते हुए मुझे हो गए, मतलब इतनी जेन्युइन और इतनी प्यारी बहन के लिए भाई कोई क्या नहीं करेगा। मैं सच बताऊँ मैं खुशी बहुत दिलों से सोची थी कि मैं कामिनी को खुशी देना चाहती हूँ जो ये डिजर्व करती, जो उनको मतलब आज तक मैंने देखा नहीं किसी को देते हुए, और मैं सच बताऊँ मैं वही खुशी देना चाहती थी कि दीदी मैंने इसीलिए जब आपने बताया ना मैंने फोन पे बताया। अरे रो क्यों नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मतलब धनु का मम्मा की एनिवर्सरी है, ये हमेशा केक काटता है। धनु की मम्मा का एनिवर्सरी है। आ जाओ धनु, अच्छा लगा इनसे बोलेंगे क्या? ये आज राखी, रुकिए ऐसे जैसे हीरोइन होती थी ना, ये फाड़ती है, ये देखिए ये है राखी, राखी राखी है, ये दिल की राखी है, ये राखी भैया, ये जिनके पास दिल होगा वो उनको विजिबल होगा ये राखी। ये राखी बांध रही हूँ और इस राखी का और ये रिश्ता हमेशा निभाना है आप दोनों को, गिफ्ट दे रहा हूँ। देखा ऐसे ऐसे चीटिंग करते हैं आप ही का गिफ्ट। अब राखी बांधा है तो कुछ नहीं, वो आशीर्वाद दीजिएगा, बस आशीर्वाद दीजिएगा भैया, हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा बहना के लिए। मैंने राखी बांध ली बोलने वाली बात, और ये राखी कभी नहीं डिलीट होगी, ये कभी ना निकलेगी, हाँ बिल्कुल हमेशा के लिए। बोलेंगे भैया राखी दिखाना तो
आप दिखाना ये सो गाइस यहाँ पे हमने बस एक मीटिंग रखी हुई थी वकील सर से मिलने के लिए और बाकी जो है सारा प्रोसेस चल रहा है और हमने सोचा कि एक बार हम आपको इंट्रोड्यूस करवा दें कि हम क्या काम कैसे कर रहे हैं, तो इसलिए सर से मिले। बाकी ये अलका दी ने इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर लिया, आके यहीं पे सब कुछ किया, मतलब बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। एंड थैंक यू सो मच दी। और वैसे भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अलका दी कौन है, आप लोगों को पता है अलका जायसवाल, तो आप लोगों को पता ही है, तो मैं क्या बताऊँ। बाकी यहाँ पे हमने इनको दिखाया कि कौन है वो लोग, क्या हमारे साथ क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और किस मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। एंड कुछ लोगों को लगा था कि ये जो सारी चीज़ें ये फेक है, हम झूठ बोल रहे हैं या फिर हम ऐसी धमकी दे रहे हैं, तो हम आपको बता दें नहीं, हम कोई भी काम धमकी देने के लिए ऐसे नहीं करते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं होती, हमें जब तक कुछ चीज़ें पता नहीं चलती है, हम कोई निष्कर्ष पे नहीं जाते हैं। तो बहुत कुछ सोच के समझ के बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मतलब समझ गए हैं, इसलिए हम ये सारे जो काम हैं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट आए थे कि इनको तो लीगल का ABCD कुछ नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इस टाइम हम किसके साथ हमें पता हो या ना पता उससे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ आपको मेंशन कर देता हूँ कि क्या लीगल है क्या नहीं है, वो तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और आज मैं आपको फाइनली उनसे मिलवा रहा हूँ जो आज के बाद से हमारा चैनल लीगली हैंडल करेंगे, सारे लीगल प्रोसेस जो होते हैं
वो हैंडल करेंगे। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज है नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते मैं उनको सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ, वो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना साहब, और भाटी जी का जिन्होंने केस लड़ा था भाटी जी की तरफ से, वो इंसान आज हमारे साथ है और वो अब हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। तो ये हैं हमारे सर, वकील साहब जो हैं हमारे। सर कह रहे हैं कि हमें तो लीगल का कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली क्या है, किसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जाकर अगर आप कोई भी कमेंट्सबाजी करते हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा पवन भाटी नाम मेरा, तो किसी के आप खिलाफ कमेंट्सबाजी करते हैं तो उसका क्या होता है, आईटी एक्ट होती है हमारी, इसमें आप जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और किसी को आप धमकी देते हैं तो 506 IPC में प्रावधान है, आप अगर आपको कोई धमकी दे रहा है या कोई इस तरह से आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट्सबाजी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ लीगली एक्शन ले सकते हैं। पर्सनल चीज़ों को आप कैसे मांग सकते हो, अब कल कल को आप किसी और के खिलाफ मांगना शुरू कर दो, किसी के मांगना शुरू, ये लीगली नहीं होता। अरे हमारी चीज़ हम नहीं दिखाई किसी, ये उसका कोई राइट नहीं बनता है, ये हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, इसको इसको हम नहीं दिखा सकते किसी को। अगर ज़्यादा किसी को मांगनी है वो करनी है, क्या इससे मतलब कोई आप क्या साबित करना चाहोगे हमको, चाहे हम पढ़े हुए हैं पढ़े लिखे हैं या नहीं है, तो हम इसको साबित करने की जरूरत क्या हमको। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि आप वो कह रहे थे कि रिएक्शन चैनल पे हम मतलब यूट्यूब की गाइडलाइंस और इंडियन जो लॉ है उसको फॉलो कर रहे थे, तो ये जो दो धाराएं बताई हैं अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जो अब लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा ना आप उसके लिए तैयार होंगे। नहीं, डिप्रेशन का चाहे पढ़ाई लिखाई का जो प्रूफ मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब कि आपने बताया है तो प्रूफ दो। हम पढ़े लिखे हमने बताया हमें जहाँ बताना चाहिए, अब हमारी इंटरव्यू हो रही है कुछ भी तो वहाँ तो भाई उनको भी जानने का हक है, तो इसलिए हमने बताया, लेकिन आप कौन होते हैं हमसे प्रूफ मांगने वाले। सिर्फ रिएक्शन चैनल के नाम पे ये लीगली चीज़ है, मैं कहूँ आप इनको किसी के पर्सनल चीज़ों को आप नहीं मांग सकते। अगर आप इस तरह के कमेंट्सबाजी करते हो कुछ करते हो तो IPC में बहुत सारे प्रावधान हैं, आपके खिलाफ किसी भी हद तक ये एक्शन ले सकते हैं। तो अभी आप किस तरह का एक्शन ले रहे हैं अभी फिलहाल में? अगर वो कुछ लोग अगर इस तरह की कमेंट्सबाजी करते रहेंगे तो इसमें हम लीगल नोटिस उन लोगों को भेजेंगे जो जो इसमें इनके खिलाफ एक्शन मतलब उल्टी सीधे कमेंट्सबाजी कर रहे हैं। बाकी की सरप्राइज रहेगी वो नहीं बताएं, बाकी सारी सरप्राइज बाकी जो भी है उनको तुरंत आगे तो पता चल ही जाएगा। दूसरी चीज़ अभी जल्दी ही उनको जो हमने लीगल की ABCD नहीं पता ना, जल्दी ही वो इस चीज़ से भी रूबरू हो जाएंगे कि हमें क्या क्या पता है और किस तरीके से पता है, बाकी सारा सब कुछ बाद में। हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुले दरबार है, अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बैठते हैं प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई इस तरह की बात आती है तो हम इसके लिए लीगल एक्शन ले सकते हैं और आपका स्वागत है, मिल सकते हैं हमसे कभी। और हम जो सर्टिफिकेट है ना जो भी आप मांग रहे हो डिप्रेशन का प्रूफ, मार्कशीट या कितना कंट्रीब्यूशन हमारा किस चीज में रहा, सब कुछ हम आपको इनके थ्रू कोर्ट में दे देंगे। देंगे आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है, कोर्ट में आइए, सब कुछ दिखाएंगे आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने घर में क्या दिया है क्या नहीं दिया, वो सब अब कानूनन आपको राइट क्या बनता है इस तरह का चीज़ें भाई जी, आपका क्या राइट बनता है, आपको ट्रोल करना ट्रोल कीजिए से थोड़ी होता है, आप किसी की पर्सनल चीज़ें घुमाओगे तो घुमा का प्लान करते हैं, वहीं चलते पहले आप कैमरा देखिए पीछे जाती एनिवर्सरी किसकी थी, टूट गया कुछ, पार्टी मैंने दिया था, पार्टी आपने दिया था, नहीं 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 कोई नहीं आज ही तो पानी ना, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी खातिरदारी का, तो 137 में है एंड स्पेशली बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं, काफी अच्छा अरेंजमेंट किया इन्होंने, और आप प्लीज पूरा एड्रेस बता दीजिए, जो भी आना चाहेगा वो आ सकता है। खातिरदारी हमारा सेक्टर 137 नोएडा मेट्रो के जस्ट नीचे पे है, और ये हमारे वकील साहब का रिव्यू है कि इनका बहुत अच्छे तरीके बस बस सिंपल बस अभी तक सबका सपोर्ट था, सर की जरूरत है, सर भी एंट्री कर चुके हैं, थैंक यू सर। हाँ नहीं राखी बहन जीवन भर के लिए हो गई है। आप चढ़ कैसे गए भाई?
बाय भैया, बाय बहन, बाय ना ना बहन भैया, ये रिश्ता रिश्ता पक्का है दीदी, भाई बहन का रिश्ता पक्का नहीं, भाई बहन वाला पक्का, हां भाई बहन का रिश्ता। दीदी कहीं पैर चूमने के लिए कह रहे नहीं नहीं, तो कह रहे हैं कि मेरा छोड़ के आप मेरे छोड़, ठीक है दी, बाय बाय।